नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। उपटन का इस्तेमाल बरसों से घरों पर होता आ रहा है, आज इसकी जगह बाजार में मिलने वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने ले ली है। लेकिन कई बार इन ब्यूटी प्रोडक्ट से मन मुताबिक का रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिस कारण कई लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। ऐसे में स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए बेसन का उपटन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसन का उपटन लगाने से शरीर पर किसी तरह के नुकसान भी नहीं होंगे और ये नेचुरल होने के साथ साथ शरीर को ग्लो भी देगा। बेसन का उपटन चेहरे और शरीर पर लगाने से स्किन चमकदार बनाने के साथ स्किन का कालापन भी दूर होगा। तो आइए जानते हैं बेसन के उपटन लगाने के कुछ फायदों के बारे में। बेसन और हल्दी का उपटन। बेसन और हल्दी का उपटन लगाने से शरीर की सारी गंदगी साफ होगी और शरीर चमकदार बनेगा। इसको बनाने के लिए आप हल्दी और बेसन का गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसको चेहरे और शरीर पर 15 से 20 मिनट लगा कर रखें। इसके बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। बेसन और दही का उपटन। बेसन और दही के उपटन से शरीर को पोषण मिलेगा और त्वचा में निखार भी आएगा। इसको बनाने के लिए बेसन और दही का पेस्ट बना लें और साथ ही साथ इसे पूरे शरीर पर लगा लें। इसके बाद हल्के हाथ से मसाज करें। इसके बाद दही और बेसन के उपटन को नॉर्मल पानी से धो लें। बेसन और एलोवेरा जेल का उपटन। बेसन और एलोवेरा जेल का उपटन लगाने से शरीर को पोषण मिलेगा और रंगत में भी निखार आएगा। बेसन का उपटन लगाने से शरीर पर कई फायदे होते हैं। स्किन को पोषण मिलता है और वह मॉइस्चराइज भी होते हैं। बेसन का उपटन लगाने से डेड स्किन साफ होती है। बेसन का उपटन लगाने से स्किन ग्लोइंग होती है। बेसन का उपटन लगाने से शरीर के निशान ठीक होते हैं। बेसन का उपटन का इस्तेमाल करने से टैनिंग की समस्या भी दूर होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।